जीतूश्री और मैं हूं अनुपमा पाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल DIY क्वीन। तो आप लोग हमारी DIY वीडियोस को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे और हमने सोचा क्यों ना इसी से रिलेटेड वीडियो लेकर के आए। आज हम करने वाले हैं कुछ वायरल DIY ट्राई आउट और उसको रिव्यू भी करेंगे, पर सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आर यू एक्साइटेड? आई एम वेरी एक्साइटेड। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो टेस्ट आउट करते हैं वायरल DIY फोटो फ्रेम बनाना। तो ये फोटो फ्रेम बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ आइसक्रीम स्टिक्स और फ्लावर्स। अब एक एक करके 8 आइसक्रीम स्टिक्स को आप इस तरह से लगा दो। फिर एक स्टिक लो, उसको ग्लू गन की हेल्प से कॉर्नर पे चिपका दो और फिर ठीक इसी तरह से कॉर्नर्स पे 3 और स्टिक्स चिपका दो। फिर फ्रंट में मैंने इसे फ्लावर से डेकोरेट कर दिया। आप अपनी पसंद से कोई भी डेकोरेशन कर सकते हो इस पे। अब फोटो फ्रेम तो बन गई, पर बैक साइड पे स्टैंड भी तो चाहिए ना, तो चलो स्टैंड बनाते हैं। अब एक आइसक्रीम स्टिक ले लो और उसके दोनों एंड्स को कट कर लो और फिर ग्लू गन की हेल्प से उसे थोड़ा सा पोर्शन छोड़ते हुए फ्रेम में पेस्ट कर दो। अब बारी आती है स्टैंड की। तो स्टैंड्स के लिए हमें 2 और स्टिक लेनी है और उसके फ्रंट पोर्शन को ऐसे कट कर देना है, फिर इसे स्लांटेड वे में पेस्ट कर दो जैसे मैं कर रही हूँ। अब बस अपनी कोई भी फेवरेट फोटो ले लो और इस तरह से इसमें इंसर्ट कर दो और ये बहुत ज्यादा क्यूट दिखेगा। तो ये है DIY फोटो फ्रेम जो कि बहुत ही इजी था बनाना और ये मेरा फेवरेट है आउट ऑफ ऑल, क्योंकि ये इसने बनाया है। पर ये फेवरेट मेरा इसलिए क्योंकि इसमें मैं भी हूँ प्लस पॉइंट। और अन्नू को मैंने बहुत सारी आइसक्रीम खिलाई थी 1 महीने, फिर जाके मैंने ये स्टिक्स जमा किया और ये बनाया। अगर आपको इतनी आइसक्रीम नहीं खानी तो आप मार्केट से इसे खरीद सकते हो, बहुत ही सस्ते प्राइस पे मिल जाता है एंड बहुत सिंपल है बनाना। आप रूम में अपने डेकोरेट करोगे तो जान सी आ जाएगी, मजा आ जाएगा इसे देख और बहुत सुंदर भी लग रहा है और आपको फ्रेम में इतना पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। और इसको रेटिंग में 5 out of 5 दूंगी मैं भी, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आया। चलो अब ट्राई आउट करते हैं ये DIY प्लांटर बनाना। इसके लिए आपको 2 बल्ब लेने हैं और इसका टॉप पोर्शन हटा देना है। अब आपको इस तरह से वायर लेनी है और इसके नीचे वाले पोर्शन को फोल्ड कर देना है और ऊपर से भी थोड़े से पोर्शन को फोल्ड करना है और ये दिखेगा कुछ ऐसा। इसके लिए आप कोई भी नॉर्मल वायर यूज कर सकते हो जो कि इजीली फोल्डेबल हो। स्टैंड तो हमारा रेडी है, अब तैयार करते हैं बल्ब को। बल्ब के अंदर थोड़ा सा पानी भर दो और उसमें कुछ स्टोन्स डाल दो और थर्माकोल भी, और ये बहुत ज्यादा सुंदर दिखेगा। जो मैंने स्टोन्स और थर्माकोल रखे हैं ना, वो कलरफुल हैं। आप चाहो तो इसकी जगह कलरफुल मोती भी यूज कर सकते हो। अब इस पे आप प्लांटर्स डेकोरेट कर सकते हो। मैंने तो यहाँ पे फेक लिया है, आप चाहो तो ओरिजिनल से भी इसे डेकोरेट कर सकते हो। ये बन जाने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। फिर जो हमने होल्डर बनाया था ना, उसमें बल्ब को इस तरह से हैंग कर दो। यहाँ पे एक होल भी है जिससे कि ये इजीली हैंग हो जाएगा। और देखो कितना प्यारा लग रहा है ये, तो आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो और मार्केट में तो ये बहुत महंगा मिलता है। तो ये जो है DIY फिश एक्वेरियम बोलने वाली थी, क्योंकि मुझे ये, मैंने ये बोला इसको कि ये फिश एक्वेरियम जैसा दिख रहा है। ये देखो इतनी कंफ्यूज, क्योंकि इसमें पानी है। वैसे ये DIY प्लांटर है, बल्ब प्लांटर, जिसे आप कहीं भी टीवी एरियाज पे भी डेकोर कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अंदर आप अपने दोस्तों को भी डुबो के मार सकते हो, जैसे कि अन्नू को मैं मारने वाली हूँ आफ्टर द शूट। बट ये चुप रहो अन्नू, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मेरा फेवरेट है ये, वन ऑफ द फेवरेट ऑब्वियसली, क्योंकि तुम भी कुछ बोल दो मैं ही बताऊँ सब कुछ। या इसने मुझे इसमें डुबो के मारने के बाद की मैं कैसे बोलूँ, पर ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऑल्सो कि आप इसको अकेले मत बनाना, ये थोड़ा सा रिस्की है। जैसे कि अगर हमने जो बल्ब से तोड़ा ना, तो वो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, बाकी तो इजी था, ऐसा कुछ है नहीं। और रेटिंग में हम इसको देंगे 5 में से 6। अनु का मैथ्स पहले से ही खराब है, मैं 5 में से 5 दूंगी। लेट्स टेस्ट आउट दिस DIY लैम्प। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ बलून्स और इसे फुला लेना है।
फिर हमें लेना है एक बोल, उसके अंदर लेना है थोड़ा सा फेविकॉल और उसमें थोड़ा पानी मिक्स करके हम उसे पतला बना लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे लिया रस्सी, इसे फेविकॉल में डिप करके अच्छे से कवर कर दो और एक्सेस फेविकॉल को रिमूव कर दो। फिर इस रस्सी को बलून के अराउंड कवर कर देंगे। अभी थोड़ा मैसी सा लग रहा है, पर आप इसे थोड़ी देर ड्राई होने छोड़ दो। ड्राई होने के बाद बलून को पिन की हेल्प से फोड़ दो और ये दिखेगा कुछ ऐसा। और इसके अंदर आप फेरी लाइट डाल के इसे डेकोरेट कर सकते हो दिवाली पे, तो ये बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। तो ये तैयार हो गया हमारा DIY लैंप। देखो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, इससे मुझे पूरी वो वाइब आ रही है, वो एस्ट्रोलॉजर्स नहीं होते जो आपके साथ ये सब होने वाला है ऐसा कुछ। तो हम DIY लैंप की बात करते हैं। ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल था और हमारे हाथ पूरे गंदे हो गए थे, और हमने इसे दो बनाने का ट्राई किया था। ये देखो कैसा बना है, बट ये वाला बहुत अच्छा बन के आया है। तो ये था इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक, बाकी लैम्प बहुत सुंदर लगेगा। अगर आप अंधेरे में इसकी ब्यूटी शॉट्स देख रहे होगे तो ये बहुत ज्यादा सुंदर है, और आप इसको कहीं हैंग भी कर सकते हो, ये और ज्यादा प्यारा लगेगा। यस, किसी वैनिटी पे भी रख सकते हो आप, बहुत प्यारा है ये। एंड इसमें मैं इसे रेटिंग देना चाहूंगी 4 out of 5। या 4 है ना, इट्स गुड। आज का वीडियो ट्राइंग आउट वायरल DIYs आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसी वीडियो और लेकर आए तो वीडियो को ढेर सारा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी शेयर कर देना। बस अब हम मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।